छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों को बधाई देते हुए 21 जनवरी को एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा कि राज्य के 20 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 84.44 लाख टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया है, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो हर चीज का रिकॉर्ड टूट रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, अवैध कारोबार का रिकॉर्ड हो, रेत उत्खनन परिवहन का रिकॉर्ड हो, कोयला चोरी का रिकॉर्ड हो, या फिर अवैध शराब बिक्री का रिकॉर्ड हो। साथ ही कहा कि हकीकत तो यह है कि छत्तीसगढ़ में किसान खून के आंसू रो रहा है और उनका शोषण हो रहा है। छत्तीसगढ़ के उन मेहनत कश किसानों को मैं भी बधाई देता हूँ, लेकिन इनके बदौलत किसी प्रकार का बधाई नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो हर चीज़ का रिकॉर्ड टूट रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, चाहे यहाँ अवैध कारोबार का रिकॉर्ड हो, चाहे रेत खनन का, अवैध परिवहन का रिकॉर्ड हो, चाहे कोयला चोरी का रिकॉर्ड हो, अवैध शराब बिक्री का रिकॉर्ड हो। इस प्रकार से प्रदेश में जो अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार का भी रिकॉर्ड टूटा है। जहाँ तक धान खरीदी का रिकॉर्ड की बात मैं करूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में भी जो तीसरे कार्यकाल का चतुर्थ वर्ष है उसमें 80 लाख मेट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी हुई थी, और आज 7 साल बाद 5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी बढ़ना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में लगभग 10 गुना का रिकॉर्ड वृद्धि किया, इनको 2-2.5 साल में कम से कम 1.5 गुना खरीदी करना था, लेकिन ये मात्र जो है 5% ज़्यादा खरीदी करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि छत्तीसगढ़ में किसान खून के आंसू रो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनको पिछले 14 माह से धान का पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ है, रकबा काट दिए गए। यदि सरकार ईमानदारी से धान खरीदती तो प्रदेश में 1.5 लाख मेट्रिक टन धान का खरीदी होता। यहाँ किसान 2 लाख मेट्रिक टन धान उगाते हैं और उन श्रमवीरों को, उन मेहनत कश किसानों के लिए इसमें कोई वाहवाही नहीं है कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिकॉर्ड केवल एक कागजी है, ये आंकड़े की अपने बाजीगरी में अपने आप को महारत हासिल किए हैं, इन आंकड़ों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी हालत दयनीय है। ऐसे में राज्य सरकार को पुनः चिंता करना चाहिए और 1 माह समय अवधि बढ़ाते हुए जो खरीदी का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है उसको कम से कम 1,25,000 मेट्रिक टन तक ले जाएंगे, तब मैं इनको धन्यवाद दूंगा। इसमें इनकी कोई वाहवाही नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े की बाजीगरी करें। यदि सच्ची हमदर्दी किसानों के प्रति है तो 1 महीना समय बढ़ा दें और सिर्फ इनका जो एक्चुअल रकबा में जो किसान धान बोया है सिर्फ उसी में धान खरीद लें तो लगभग 1.25 लाख मेट्रिक टन धान हो जाएगा, और ईमानदारी से यदि खरीदेंगे तो 1.5 लाख मेट्रिक टन छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होगा। एक्चुअल उत्पादन का मात्र 40% ही धान प्रदेश की सरकार खरीद पाई है और ये झूठी वाहवाही कर अपनी पीठ थपथपा रही है।